పచ్చగా ఉండాల్సిన అడవులు ఎర్రగా ఎందుకు మారుతున్నాయి నీరు పారాల్సిన చోట నెత్తురు ఎందుకు పారుతుంది భద్రత ఎవరి నుండి ఎవరికి కావాలి ఎవరు బలవుతున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు మూలవాసి ఆందోళన బచావు నాయకులు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఏం జరుగుతుంది అసలు ఛత్తీస్గఢ్ దండ కార్యంలో ఆప్కా నామ్ క్యా రఘురామ్ బహారైత मैं सुकमा में मेरा जिला सुकमा आता है छत्तीसगढ़ का हूँ और मैं अभी फ़िलहाल बस्तर में ही रहता हूँ आपका जीवन स्थिति कैसा रहता है वहाँ का हमारे आदिवासी पुरखा जो जो में वहाँ रहते हैं और वहाँ के आदिवासी अभी अभी के वर्तमान में समय दो से लगातार हमारे आदिवासियों को मारपीट होता है वहाँ के आदिवासी तो जंगलों में रहकर जीवन यापन करते हैं कि जैसा जंगल में जाते हैं पल पुल जाड़ी और कृषि मतलब इस तरह बारह महीना पूरा जंगलों में रहकर घूमना फिरना हर एक एक गांव से दूसरे गांव में जाकर कर प्रदन करके खाते हैं तो जिस तरह हमारे आदिवासी उस जंगल में अभी इस अभी ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ के आदिवासी जंगल घूम नहीं पा रहे हैं इसलिए घूम नहीं पा रहे हैं कि जब जंगल जाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ कर जंगल में आपका सुरक्षित कैसे है हैं पुलिस वाला पहारा करता ना और जब समय में आपका हालत कैसे जंगल में जाने से वही पुलिस वाले कहीं भी पकड़ते जंगल में या जो खेत में खेत में जाते समय या कोई कृषि करते समय हल झोंगते समय जाते तो वहाँ पुलिस मन पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि रात को ही पुलिस वाले पूरा जंगल में रहते पुलिस वाले भी तो जहाँ मिले वहाँ उठाकर सीधा थाना में ले जाते हैं तो ये इस तरह का वहाँ पे बम डाल रहे थे और बहर बिछा रहे थे और ये नक्सली काम कर रहा था ये तीर से मार रहा था इस तरह के आदिवासी जितने पहले रहते थे उस तरह का अभी नहीं है खेती किसान रात को तीन चार पाँच बजे उठकर गाय भैंसा लेकर जाते हैं तो अभी सुबह होने के बाद ही गांव से बाहर जंगल घूम सकते हैं। रिसेंटली एनकाउंटर हुआ था ना उसमें आदिमवासी लोग बहुत लोग हैं बोल के पेपर में आया था वास्तव में कितने लोग हैं उसमें वहाँ तो अभी ये स्थिति है कि दो से जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आए पहले कांग्रेस थी तो जैसा भाजपा सरकार आने के बाद लगातार हमारे आदिवासी छः माह की बच्ची तो सुने होंगे छः महीना की छः महीना की बच्ची को मारे हैं उसके बाद लगातार दिनों दिन दिनों दिन आदिवासियों दिन दिन दिन, के ऊपर गोली चलाया जा रहा है दिनों दिन साठ सत्तर अस्सी सौ दो सौ आदिवासियों को पकड़ कर आत्मसमर्पित कर रहे हैं कई सरेंडर कर रहे हैं कभी मार रहे हैं इस तरह का मतलब बस्तर में गंभीर परिस्थिति अभी मतलब आदिवासियों के ऊपर आ गया है तो ना रह सकते ना घूम सकते इसका डर के वजह से कभी दूर जाके कोई कोई जीने का इंतजाम कर रहा है कोई मतलब वहाँ अभी जीने का मुश्किल हो गया आदिवासियों को फिर क्यों ऐसा कर रहा पुलिस वाला क्यों जंगल में क्या है क्योंकि वहाँ जो बस्तर है वहाँ एक सोना की तरह है बस्तर हरा भरा जंगलें पहाड़े सोना चांदी माइनिंग पेट्रोल डीजल और मेटित इस तरह का मतलब बस्तर में जो दिखने में छोटा है लेकिन बस्तर बहुत सुंदर है वहाँ हरा भरा चीज़ मिलती है तो इसलिए वहाँ पुलिस जो है हमारे आदिवासियों के ऊपर दमनकारी कर रही है कि वहाँ से आदिवासियों को विस्थापन करने का एक साजिश है क्योंकि इस तरह गाय बकरी की तरह हर दिन मारते जा रहे हैं तो वहाँ के आदिवासी खत्म होने का या तो कहीं भगाने का ये एक साजिश है सरकार सोच रही है केंद्र सरकार बोल रही है जंगल में शांति होना चाहिए इसलिए माओस्ट को पूरा खत्म कर रहा हूँ बोल के बोल रहा माओस्ट ने कभी तो आपकी नुकसान छिया देखिए हम ये चाहते हैं कि बस्तर में मार्ट का नाम से ही आदिवासियों को मारा जा रहा है ये माओवादी ऐसा नहीं है कि कहाँ है क्या है बोल के वो बस नाम से बोलते हैं कि ये माओवादी जब कहीं भी एनकंट्रो होता है कहीं भी घटना होता है तो उसको सीधा सीधा बोल देते हैं ये नक्सली है अब लगातार इतने सारे जो घटना घट रहे हैं दो से जितना घटना घट है उसमें आधा से ज़्यादा आदिवासी हैं ये जो केंद्र सरकार सोचते कि शांति लाते शांति आज तक क्यों नहीं हो रहा है होना चाहिए हम भी चाहते हैं कि हम जिस तरह जंगल में आदिवासी हर दिन मरते जा रहे हैं जेल लेके जा रहे हैं तो इस तरह का केंद्र सरकार को आके बात रखनी चाहिए कि बस्तर में इस तरह हो रहा है क्योंकि देखने पूरा फेस टू फेस मिल देख रहा है कि आदिवासी कितने मर रहे हैं कितने कैसा हो रहे हैं ये एक महिला है जैसा आंदोलन चल रहा है अभी आंदोलन लगभग बयालीस ट्वेंट टू आंदोलन चल रहा है प्रोटेक्ट से तो बस्तर में जो जो अपने अपने मुद्दे जल जंगल जमीन को लेकर तो एक आंदोलन में एक महिला नदी में नहाने गई थी तो अभी बस्तर में लगातार ड्रोन से पूरा 24 घंटा घूमते रहता ड्रोन तो एक जगह नहाते महिला नहाते समय ऊपर से फ़ोटो खींचे पुलिस वाले खींचने के बाद वो फोटो फिर आंदोलन में ला कर कि आपके मेले नंगे नंगे नाते हैं ऐसा करके वहाँ आंदोलन जगह में जाकर दिखाए तो वहाँ के जनता को बाद में बहुत क्रोध आया कि इसलिए ड्रोन लाते हैं इसलिए ड्रोन घुमाते हैं इस तरह का बात होकर बाद में आज तक पता नहीं उसको सजा मिला या नहीं मिला नहीं पता पर आज आज भी वहाँ के जनता बहुत क्रोध में है क्योंकि आज ड्रोन इसलिए नहीं घुमाना नच्चे अब नाते समय कहीं कहीं कुछ कुछ होता है तो मतलब ये एक बस्तर को ड्रोन को ड्रोन के माध्यम से पूरा कहाँ छोना है कहाँ हरा भरा जंगल है कहाँ चांदी है कहाँ लोहा है इस तरह का मतलब पूरा ड्रोन से इसलिए देखा जा रहा कल परसों की बात है उसमें से बारह लोग नक्सली बोल रहे हैं उसमें से बारह नक्सली कोई नहीं थे दस पूरा नक्स गर्मी थे आदिवासी उसके कोई जुड़वा बच्चा है कोई दो माँ की बच्ची थी मतलब इस तरह का वहाँ पूरा आदिवासी थे अब उसमें पूरा बोल रहे हैं कि बोर बंदूक डाल के ये नक्सली काम कर रहे थे अब पत्ता तोड़ रहे तेंदूपत्ते पूरा सुबह छः बजे उठ कर जाते छः बजे पाँच बजे उठ के जाते तो पूरा बगा बगा के मारे आदिवासियों को अब वहाँ ले जाने के बाद सीधा बोल दिए कि नक्सली वो नक्सली नहीं थे क्योंकि उसके घर में पूरा फैमिली आधार कार्ड जिस जितना भी हो सरकार बना सिस्टम उसके पास सब प्रूप है फिर भी ऊपर से नक्सली बोल रहे हैं फिर फाइनली uh, आपके विकास में क्या होना चाहते हैं केंद्र सरकार से हम यही चाहते हैं कि बस्तर में जिस तरह हम चाहते हैं स्कूल हॉस्पिटल आंगनबाड़ी सोसाइटी जो बंद हुआ स्कूल और ये शहर अच्छी जितने भी है मतलब वो सरकार हमारे लिए सुविधा होना चाहिए ये नहीं है कि कैंप आ जाते कैंप ऐसा जब भारतीय एक बोलते तो वहाँ के आदमी वहाँ के गर्मी स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं मतलब बिंदास घूम नहीं पाते हैं जंगल नहीं जाते हुए पहाड़ी जाना मुश्किल है कहीं पकड़ना उसके बाद अब जहाँ भी कैंप डाल रहे हैं तो कोई अब किसी या किसी को मार रहे पीट रहे हैं लेके जेल लेके जा रहे हैं सूचना कदा मोता छत्तीसगढ़ अड़वल लो मतम माराणा कांडा సాగుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ పోలీస్ క్యాంపులు ఎత్తివేయాలి ఎత్తివేసి ఖచ్చితంగా మాకు స్వేచ్ఛను కలిగించాలి ఏదైతే అటవీ మీద అటవీ సంపద మీద అటవీ మీద మాకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు మాకు కావాలని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ స్కూల్సు ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన స్కూల్సు అదేవిధంగా కాలేజెస్ అదేవిధంగా ఆసుపత్రికి సంబంధించిన సౌకర్యాలు కల్పించాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి వారు అంటే ఇదైతే పోలీసులు క్యాంపులు ఖచ్చితంగా ఎత్తివేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది కెమెరామ్యాన్ శ్రీనుతో హరికృష్ణ బిగ్ టీవీ హైదరాబాద్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్